दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम इसके लिए कास्ट और इम्पोर्ट कैसे होता है, ये है जो मैं लोकल स्टोर से लेके आया है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। एक सेफ्टी प्रिकॉशन सभी के लिए, ये कास्ट आयरन जो होता है काफ़ी हेवी होता है, करीब 4-5 किलो ऐसा वजन होता है। तो बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग इट। तो धीरे धीरे मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ और फिर इसको कैसे फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए सीजन करते हैं वो दिखाते हैं। ये लीड है, ये है इसका, ये प्री सीजनड होता है बट फिर भी फर्स्ट टाइम इसके लिए थोड़ा सा सीजन करना जरूरी है जो मैं समझता हूँ। हाँ, तो इसके बाद ये जो कपड़े का हैंडल्स है ये लगाना होता है। ओके, ऑल सेट। फिर चालू करते हैं इसकी सीजनिंग। इसके लिए मैं सबसे पहले एक गाजर और एक प्याज काट लूंगा। रफली चॉप। प्याज जो है मैं इसका आधा कर लूंगा। कर लेते हैं गैस ऑन। आप इस पे डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। हमेशा कास्ट आयरन के लिए वुडन स्पैटुला या वुडन स्पून यूज करना चाहिए, क्योंकि स्टील जो होता है वो हार्ड होता है और कास्ट आयरन सॉफ्ट होता है, तो उसमें क्या स्क्रैचेस आ जाता है उसमें। थोड़ा सा गर्म होने के बाद गाजर के टुकड़े डाल दिए अभी इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, कवरिंग ऑल द एरिया। टुकड़े डाल दिए अभी इसके अंदर। अभी मैं इससे निकाल लेता हूँ, ये हो गया लगभग धुआं निकल रहा है। नेक्स्ट है ये प्याज जो मैंने काटा था, इसका आधा लेना है और ऐसे चाकू में फंसा देना है, इसके अंदर रख देना है, ऐसे चाकू इसे फंसा देना है। फिर इसको आराम आराम से इसे घुमाना चाहो। तो लगभग
ये अभी फर्स्ट यूज के लिए तैयार हो गया है। गैस बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। रेस्ट करने के बाद इसे हम पानी से धो लेंगे और डिटर्जेंट से भी धो लेंगे। ये बेसिकली नॉनस्टिक से भी ज़्यादा अच्छा है और हेल्दी है, हेल्दी ऑप्शन है। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद पानी और हल्का डिटर्जेंट से धो लेंगे।